हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। और आज की वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीएसई ने इस बार सेशन 2019 से 20 के लिए इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए हैं और आपको इंग्लिश का सिलेबस किस तरीके से देखने को मिलेगा। अच्छा, जो बच्चे नए नए होते हैं 12th क्लास में, जो बच्चे नए आए हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर हमारा इंग्लिश का पेपर कैसा होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की होगी, पेपर कैसा होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इसके अलावा हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और एक नीचे एक बेल आइकन दी हुई है उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए हम जान लेते हैं कि सीबीएसई ने इस बार इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चेंज किए हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 3 मेजर चेंजेस आपको इंग्लिश के पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा जो पहला चेंज है वो है कि पहले जो आपका पेपर होता था टोटल 100 मार्क्स का, अब वो केवल आपका 80 मार्क्स का हो गया है। दूसरा चेंज है कि नोवल आपका रिमूव हो गया है। पहले पिछले साल तक आपको जो है द इनविजिबल मैन नोवल पढ़ना पड़ता था, अब आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा चेंज है कि आपके कुछ चैप्टर्स सीबीएसई ने पहले डिलीट किए हुए थे, हटा दिए हुए थे, मगर अब वो डिलीटेड चैप्टर्स फिर से इंक्लूड हो गए हैं, क्योंकि नोवेल आपका हट गया है तो जो पहले चैप्टर डिलीट थे अब उनको सीबीएसई ने फिर से इंक्लूड कर दिया है। यानी 3 मेजर चेंजेस हैं। पहला पेपर 80 मार्क्स का है, दूसरा नोवेल हट गया है, और तीसरा चेंज के डिलीटेड चैप्टर्स आपके फिर से इंक्लूड हो गए हैं। तो ये बात तो हुई क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, पेपर आपको देखने में कैसा मिलेगा, जो सीबीएसई ने पेपर दिया हुआ है वो आपको किस रूप में देखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पूरा पेपर है वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। पहला है आपका सेक्शन ए, जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दूसरा है सेक्शन बी, जिसका नाम है राइटिंग स्किल्स, और तीसरा है सेक्शन सी, जिसका नाम है लिटरेचर। तो पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ये होगा आपका टोटल 20 मार्क्स का। इसमें आपको केवल 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज का, जो कि होगा 12 मार्क्स का, और दूसरा क्वेश्चन है आपका नोट मेकिंग, जो टोटल होगा आपका 8 मार्क्स का। नोट मेकिंग के अंदर आपको 2 चीज़ें करनी है, पहली है कि आपको नोट्स बनाने हैं और दूसरा है आपको समरी करनी है। तो सेक्शन ए आपका टोटली जो है अनसीन पैजेस पर ही डिपेंड है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसका नाम है राइटिंग स्किल्स, जो कि होगा आपका 30 मार्क्स का। इसमें आपके राइट करने की स्किल देखी जाती है। इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो होगा एडवर्टीजमेंट / नोटिस / इन्विटेशन या फिर रिप्लाई। चॉइसेस आपको बहुत सारी दी हुई हैं सीबीएसई ने इस बार। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपको या तो एडवर्टीजमेंट करना है, या नोटिस करना है, या फिर इन्विटेशन, या फिर रिप्लाई। ये होगा आपका 4 मार्क्स का, जो कि करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका लेटर बेस पर होगा, या तो आपको लेटर टू एडिटर, जो कि 99% आपका फिक्स ही होता है कि हाँ लेटर टू एडिटर ही आता है, या फिर इसके अलावा आपको फॉर्मल लेटर देखने को मिल सकता है, या फिर जॉब एप्लीकेशन। तो यहाँ भी आपको सीबीएसई ने 3-4 चॉइसेस दी हुई हैं, और ये जो आपका क्वेश्चन है वो होगा टोटल 6 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन होगा आपका 10 मार्क्स का, जो कि है रिपोर्ट या फिर आर्टिकल। या तो आप रिपोर्ट कर लो या फिर आर्टिकल कर लो, ये आपका 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका स्पीच या फिर डिबेट, या तो आपको स्पीच करनी है या डिबेट करनी है, ये भी आपकी टोटल 10 मार्क्स की होगी। इसका मतलब आपका जो सेक्शन बी है राइटिंग स्किल्स, वो टोटल 30 मार्क्स का है। नाउ कम टू द सेक्शन सी, जिसका नाम है आपका लिटरेचर सेक्शन। ये भी आपका टोटल 30 मार्क्स का होगा, और इस लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपकी बुक्स हैं जिसका नाम है फ्लेमिंगो एंड विस्टर्स, इसके अलावा पोइट्री भी है आपकी। तो ये तीनों चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है लिटरेचर के अंदर। इसमें भी आपको क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके किस तरीके से आएंगे, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री, जो कि 4 ही मार्क्स के होंगे, और 4 क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक का मीन्स फ्लेमिंगो एंड विस्टस। तो इन तीनों ही फ्लेमिंगो, विस्टस एंड पोइट्री में से आपको 4-4 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस करने को आएंगे, जो कि 8 ही मार्क्स के होंगे। मतलब 4 क्वेश्चंस पोइट्री में से और 4 क्वेश्चंस दोनों फ्लेमिंगो और विस्टस बुक में से, ये आपके टोटल 8 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 out of 7 शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने को आएंगे, जो टोटल 10 मार्क्स ही होंगे, यानी 2-2 मार्क्स का आपको एक हर क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो ये जो आपके क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो है फ्लेमिंगो और विस्टस में से आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 out of 2 लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपका आएगा फ्लेमिंगो में से, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, पूरी फ्लेमिंगो बुक के अंदर से आएगा ये आपका, और ये होगा आपका 6 मार्क्स का।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा आपका वन आउट ऑफ टू लॉन्ग क्वेश्चन, यानी दो में से एक लॉन्ग क्वेश्चन करने को आएगा। ये आपका जो होगा वो होगा विस्टस बुक में से। सॉरी मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ कि ये आपका विस्टस में से आएगा, तो मैं लिख देती हूँ अभी इस चीज को विस्टस। तो ये भी आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो टोटल आपका पेपर इस तरीके से इस बार सीबीएसई ने दिया है। ये आपका न्यू सिलेबस है। सो गाइज, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है इंग्लिश का 2019 से 20 के सेशन के लिए। आई होप आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो बच्चे नए नए ट्वेल्थ क्लास में आए हैं उनकी सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर होगी होगी कि इंग्लिश में पेपर कैसा उनको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच। टिल देन कीप स्टडीइंग पाई स्टडी।